प्रदेश सरकार की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज दहेज के लोभी इंसानों के आगे दम तोड़ रही है। आज बेटियां भी प्रदेश में दहेज के चलते घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, जिसके बाद कुछ आत्महत्या कर रही हैं तो कुछ को दहेज के लोभी इंसान मार रहे हैं। सोहना से सटे नूह जिला के गांव गंगोली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक ससुराल पक्ष के लोगों ने एक दहेज के लालच में अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया। मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि उनकी बहन की शादी 1.5 साल पहले हुई थी, जिसका एक 3 महीने का बच्चा है। हमारी बहन की शादी 1.5 साल पहले हुई थी, इसे दहेज के ऊपर तंग करते थे। जी हाँ जी। कहाँ पे हुई थी शादी, कहाँ से? गांगोली में हुई थी, लेकी से। अच्छा, तो अब क्या किया इन्होंने? इन्होंने मारा पीटा है, फांसी से लटका दिया, दहेज के ऊपर तंग किया था इसे रात। अच्छा, तो यहाँ थाने में किस लिए आए हो? थाने में इसलिए कि हमारे इंसाफ मिले, हमारी बहन को बस, और कुछ नहीं। और बच्चा भी था उसमें? कोई छोटा बच्चा है, उसकी भी कुछ देखभाल की जाए और उसे कुछ मिल जाए। को परिजनों ने बताया कि उनकी बहन की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करीब 1.5 साल पहले पलवल के गांव लेखी से नूह के जिला गांव गांगोली के निवासी अनूप के साथ धूमधाम से की गई थी। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनकी बहन अपने परिजनों से इसलिए नहीं कहती थी कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन दहेज के लोभियों ने गीता को बीती रात फांसी लगाकर मार दिया। पुलिस ने विवाहित के परिजनों के आधार पर पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोहना से सतीश, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।